दोस्तों गुड मॉर्निंग जी। आज बनाएंगे एक यूनिक सी रेसिपी, वो आप देखिए। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है और ये मैं आलू की रेसिपी बना के तैयार कर रही हूँ। और ये मैंने आलू लिए, प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, जीरा अजवाइन डाल दिया और ये लाल मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसके बाद इसमें हाथों से अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। सारे आलू को हम अच्छे से फोड़ लेंगे और एक स्टफिंग बनाएंगे जो बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई, ना ज़्यादा मसाले हैं और अच्छी सी बन के तैयार हुई है। इसके बाद क्या करेंगे, रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, ये लोई बना ली थी अच्छे से मैंने, और इसमें मैं ये स्टफिंग को भर दूँगी और ये बहुत टेस्टी स्वादिष्ट बन के तैयार हुए थे। और इसके बाद इसको बेल लेंगे और हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे। तवा हमारा गरम है, इस पर मैंने डाल दिया पराठा और इसके बाद चारों तरफ हम लगा देंगे घी। आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सरसों के तेल में बनाओगे वो और भी अच्छे हैं, लेकिन मैं ये रिफाइंड में बना रही हूँ। तो इसके बाद हम इसको धीमी आँच पर पलट के सेक देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, तैयार हो गया है। अब इसको मैं निकाल लिया है मैंने इसे, और इस पर अब रखेंगे हम घर का बना हुआ नूनी घी बोलते हैं, आप वाइट मक्खन बोल लीजिए आपकी मर्जी है, नहीं तो इसको नूनी घी बोलते हैं। और ये पराठा देखिए कितना अच्छा स्टफ हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।